हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। गांव में मौजूद है और उनके हमरा आपको बताएं कि महमूद खान अचकज़ई भी हैं, जिनकी दावत पर वो आज इस जलसे में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंडिया निजा तक्षा तकरी गई तकरीर वार हुई। मोहतरम महमूद खान अचकज़ई साहब, मोहतरम सरदार सनाउल्ला जहरी साहब, मेरे अजीज भाइयों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ये भाई बस बस थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, बस बस थैंक यू। मैंने शीशा हटवा दिया है ताकि मैं आपको देख सकूं, आप मुझे देख सके। शीशा रुकावट थी, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की खातिर शीशा लगाया है। मैंने कहा मेरी सिक्योरिटी अल्लाह के हाथ में है, उस अल्लाह के हाथ में है जो सबकी सिक्योरिटी का वारिस है। और आपका क्या, मेरा तो आपका बड़ा एक मजबूत ताल्लुक है। और यहां क्या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हम सब एक हैं, हम एक हैं इंशाल्लाह। महमूद खान अचकज़ई, नवाज शरीफ, सरदार सनाउल्ला जहरी, हम सब एक हैं। मेरा महमूद खान अचकज़ई के साथ एक नजरियाती ताल्लुक है। मुस्लिम लीग नून और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी एक नजरियाती रिश्ते है और नजरिया मुझे हमेशा बड़ा अजीज रहा है। नजरिया मैं कभी नहीं छोड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी छोड़ूंगा। मेरी सारी सियासत इंशाल्लाह इसी नजरिए करम से। और मैं महमूद खान अब्दुल समद खान शहीद की बरसी पे मुझे दावत दी, वो इस बड़े सगीर के अजीम सपूत थे और बड़ी कुर्बानियां हैं उनकी। शहादत जामे शहादत नोश किया और जिंदगी में 24 साल जेलों में गुजारे। 24 साल किस लिए, नजरिए के लिए, नजरिए की खातिर कुर्बानी दी। समझौता नहीं किया, पाकिस्तानियत पर समझौता नहीं किया, आइन कानून की हुक्मरानी में समझौता नहीं किया और अपने असूलों पे खड़े रहे। सजाएं भुगती लेकिन आज अल्लाह के फैसले, उनका नाम है, नाम गूंजता है पूरे मुल्क में बल्कि बड़े सगीर में। और उस वक्त वो बात करते थे पाकिस्तान की तरक्की की, पाकिस्तान की डेवलपमेंट, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं अफगानिस्तान गया, वहां बेहतरीन सड़कें थी, काश के पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की सड़कें हों। तो महमूद खान साहब, हमने अल्लाह के फजल करम से उनके नजरिए पे अमल कर दिखाया है। आज अफगानिस्तान से भी अच्छी सड़कें और मोटरवेज बलूचिस्तान के अंदर हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान भी तरक्की करे, पाकिस्तान भी तरक्की करे।
ये खित्ता तरक्की करे और हम सब मिलकर इस तरह से इस खित्ते की खिदमत करें, यहाँ के अवाम की खिदमत करें। तो आज मैं बहुत खुश हूं कि महमूद खान भी अल्लाह के फजल करम से उनके फरजंदे अर्जुमंद आज उन्हीं के मिशन की पैरवी कर रहे हैं और इंशाल्लाह नवाज शरीफ को वो अपने शाना बशाना पाएंगे। हर कदम पर इंशाल्लाह हम हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी को इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे। ये मेरा महमूद खान साहब मेरा आपको ये वादा है इंशाल्लाह। और से मैं आज अपने उस वादे की तजदीद करता हूँ, ऐद की तजदीद करता हूँ। आज क्वेटा में है, हम क्वेटा आके हमेशा मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। यहाँ के लोगों की मोहब्बत, आपका खुलूस, आपका प्यार और आपकी बहादुरी का कायल हूं। नवाज शरीफ बलोचिस्तान के गयूर अवाम की बहादुरी का कायल है। आपने हमेशा बहादुरी का सबूत दिया और आप पाकिस्तान के असली रखवाले हैं। यहां के आईन की पासदारी आपके दिलों में कूट कूट कर भरी हुई है, कानून की हुक्मरानी आपके दिलों में कूट कूट कर भरी हुई है, इसलिए मुझे आपसे बहुत प्यार है। आपने हमेशा आमरियत का मुकाबला किया है, हमेशा आपने आमरियत का मुकाबला किया और मुझे इसका एतराफ है। मैं इसकी तारीफ करना चाहता हूं। भाई वो आखिरी लोग जो पीछे बैठे हुए उनको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? अगर मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करके बताओ आ रही है आवाज? स्पीकर साहब आपका, आप थैंक यू। बलोचिस्तान के लोग सच्चे और खड़े लोग हैं और हर आजमाइश में, हर मुश्किल में, हर इम्तिहान में पूरे उतरे। और बलोचिस्तान के अवाम ने कभी पाकिस्तान का परचम झुकने नहीं दिया। हमें फख्र है आप पे क्वेटा के अवाम, बलोचिस्तान के अवाम, नवाज फख्र है। इसलिए मैं आपको अपनी मोहब्बत का, खुलूस का सलाम पेश हूं आज क्वेटा। आपने हमेशा नफरतों की आग भड़काने वालों का मुकाबला किया, उनके मंसूबों को नाकाम बनाया, दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला किया। और मैं आज आपकी गैरतबंदी पर, आपकी बहादुरी पर कायल होकर आपको आज सलाम पेश करने आया हूं। मैं कबूल करो, हाथ उठा के मेरा सलाम कबूल करो। आज बलोचिस्तान में जितनी तरक्की हो रही है पिछलों से, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अल्लाह ताला के फजल और करम से बलोचिस्तान में सड़कें, मोटरवेज बन रही हैं। आज से 4 साल पहले का मंजर याद है आपको? बलोचिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं होता था, कोई तरक्की के आसार नहीं थे, कोई तरक्की का काम नहीं होता था। आज तो मैं समझता हूं कि तरक्की बलोचिस्तान में मिसाली है, मिसाली। क्वेटा तक सड़क बन चुकी है, पहले 24 घंटों में पहुंचते थे गवादर से क्वेटा। आज सुबह की नमाज पढ़ो गवादर में
और जोहर की नमाज आप क्वेटा में पढ़ सकते हो। और अब क्वेटा माशाल्लाह इस्लामाबाद से मिलने जा रहा है, क्वेटा अल्लाह के फजल करम से बस बहुत मुख्तसर अरसे में जी इंशाल्लाह क्वेटा जो है वो अल्लाह के फजल करम से हसन अब्दाल के करीब जाके मिलेगा जो कि मिल्क के पास है। और मैं आपको थोड़ा सा बचाना चाहता हूं कि यहां पर क्वेटा डेरा इस्माइल खान और बुरहान एक मोटरवे बन रही है जिसका काम मैंने अल्लाह के फजल करम से शुरू कराया था और जल्द मुकम्मल होने वाली है। उस पर बड़ी तेजी के साथ काम जारी है और इंशाल्लाह आप क्वेटा से इस्लामाबाद अल्लाह ताला ने चाहा तो 8 घंटों में पहुंच जाएंगे। 8 घंटों में ये बुरहान से मैं उधर से एक मिनट यानी क्वेटा से योप और योप खान और डीआई खान से बुरहान जो कि आधे घंटे के फासले पे है इस्लामाबाद से और ये सड़क अल्लाह के फजल करम से जेरे तामीर है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल हो जाए। और दूसरी देखें एक तो ये इस्लामाबाद से मिल रही है ये सड़क खैबर पख्तूनख्वा से मिल रही है और दूसरी सड़क जो है वो लोरालाई किला सैफुल्ला यानी क्वेटा लोरालाई किला सैफुल्ला और किला डीजी खान से पंजाब से मिल रही है और ये भी इंशाल्लाह आप डीजी खान में क्वेटा से चंद घंटों में इंशाल्लाह पहुंच जाया करेंगे। बलोचिस्तान से सिंध खुजदार वांगो हिल और फिर शहदाद कोट और रत्तो डेरो। देखे एक तरफ सिंध से मिल रहा है बलोचिस्तान, एक तरफ केपीके से मिल रहा है और एक तरफ पंजाब से मिल रहा है और खुंजराब से मिल रहा है चाइना बॉर्डर तक और फिर क्वेटा इधर से गवादर तक मिल रहा है बाकी दुनिया तक। ये हमारा विजन है पाकिस्तान के बारे में जिसमें हमने अमल करके दिखाया है। यहां जुबानी जमा खर्च नहीं कर रहा, ये जुबानी बातें नहीं है, ये हम करके दिखा रहे हैं और चंद सालों में इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बेटा पूरी दुनिया के साथ मिलेगा। बलोचिस्तान आपस में मिल रहा है, बलोचिस्तान सिंध से मिल रहा है, बलोचिस्तान पंजाब से मिल रहा है और बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से मिल रहा है, बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से मिल रहा है और बलोचिस्तान पाकिस्तान का हब होगा, तरक्की का मरकज होगा और गवादर तरक्की की शाहराह पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर होगा। ये हमारा पिछली जितनी भी कसर है वो निकाल रहे हैं बलोचिस्तान के हवाले से और खान अब्दुल समद खान साहब ने भी की तरक्की की बात की थी, उस पसमानदगी को हम दूर कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से और ये हम एक मिशनरी जज्बे के साथ कर रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान में सही तरह आइन कानून की हुक्मरानी कायम हो जाएगी, फिर तरक्की इंशाल्लाह सालों में नहीं महीनों में हुआ करेगी, महीनों में नहीं हफ्तों में हुआ करेगी, घंटों में हुआ करेगी। और आज आप जानते हैं 2013 में जब हमने अपनी हुकूमत संभाली पाकिस्तान में लोड शेडिंग थी, 20-30 घंटे लोड शेडिंग होती थी और फैक्ट्रियां बंद थी, कारखाने बंद थे,
काश्तकारों के ट्यूबवेल बंद थे, सब कुछ बंद था, अंधेरे ही अंधेरे थे। आज तक कभी किसी ने पूछा उनसे पाकिस्तान में तारीख अंधेरे पैदा कर दिए थे? भाई हम नहीं, अभी मेरी बात सुने, मैं समझता हूं, थैंक यू, मेरी बात सुने। कभी किसी ने पूछा उनसे, महमूद खान, कभी किसी ने पूछा उनसे जो पाकिस्तान में अंधेरे पैदा करके चले गए और फिर हमारे लिए ये काम छोड़ गए? और आप जानते हैं, टेलीविजन देखें, 4 साल पहले का टेलीविजन देखो, हर तरफ बलवे होते थे, हर तरफ एहतजाज होते, लोग सड़कों के आपे टायर जलाते थे और लोड शेडिंग का रोना रोते थे। कभी उसका हिसाब तो लो, मेरा तो एहतसाब करते हो, मेरा एहतसाब के नाम पे नवाज, इसलिए कि अल्लाह के फजल व करम से इन 4 सालों में करप्शन का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया, कोई करप्शन के हम मुर्तकिब नहीं हुए, एक पैसे की करप्शन नहीं की। अगर की तो कोई हाथ खड़ा करके बताए कि हमने कुछ 4 सालों करप्शन की है। और निकाल दिया नवाज शरीफ को कि नवाज शरीफ ने पैसा, मुल्क की पैसा तो नहीं खाया, लेकिन अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली। कर रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं, ये एक वजीर आजम को निकालने का, इसलिए मुझे निकाला, इसलिए मुझे निकाला कि मैंने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली। लिहाजा नवाज शरीफ जो है वो सादिक और अमीन नहीं हो सकता। और सादिक और अमीन फैसला कौन दे रहे हैं? जो हमेशा डिक्टेटरों के तहत हल्फ लेते रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम सादिक और अमीन नहीं हो, मुझे कह रहे हैं कि तुम सादिक और अमीन नहीं हो। समझ में आती है बात आपको मेरे भाइयों? जिनको समझ में आती है बात, हाथ खड़ा करके मुझे बताएं, बताएं। अगर टेलीविजन वाले ये जलसा पूरा आ रहे हैं तो दिखा दो, ये क्वेटा की आवाम भी ऐलान कर रही है कि हमें ये फैसला मंजूर नहीं। ये देख लो, जिसको ये फैसला, जिस किसी को भी ये फैसला, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला जिस किसी को भी मंजूर है तो हाथ खड़ा करो, और जिसको नहीं मंजूर फिर हाथ खड़ा करके। आगे अहमदाबाद वालों ने फैसला दिया था, आगे अहमदाबाद वालों ने फैसला दिया था, आज कोयटा के आवाम, बलोचिस्तान के आवाम भी फैसला सुना रहे हैं। क्या फैसला आपका? एक दफा बड़ी बुलंद आवाज में बताओ, नवाज नकली मंजूर है? क्या मंजूर होगी? क्या फैसला किया आप लोगों ने मुल्क के लिए? आपने फैसला किया और किस तरह से आपने 6 हीरे, बेहतरीन हीरे चुनकर मुल्क में आपने तलाश किए, JIT पे, और किस तरह एक ही बेंच ने बार बार फैसले किए, कभी 2, कभी 3 और कभी 5 जजों। शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी कोई ऐसा फैसला हुआ हो, कभी नहीं हुआ। और उसके बावजूद एक पैसे की करप्शन का कोई शायबा नहीं है, सबूत तो दूर की बात है, इल्जाम भी नहीं है, और कोई सरकारी पैसा, किसी खुर्द बुर्द का कोई इल्जाम नहीं है।
कोई सरकारी एक डेडी पैसा जो है वो नवाज शरीफ ने उसकी कोई करप्शन, तो फैसला अगर देना था भाई, भाई कोयटा के मेरे भाइयों, अगर फैसला देते तो इस बात पर देते कि नवाज शरीफ ने 5,000 रुपया सरकारी खाया है, 5,000 रुपया, 1,000 रुपया खाया है, तो मैं तस्लीम करता, मैं खम करता, मैं मानता, तस्लीम करता, घर चला जाता। लेकिन जब पैसा नहीं खाया तो तुम कैसे एक वजीर आजम को तुम और शुक्रिया। जब माइनस वन के लिए कोई बहाना नहीं मिला तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे आपने जो है वो एक वज़ीरे आज़म को फारिग कर दिया। ने भी कहा है मुल्क ऐसे ही फैसलों से बर्बाद होते हैं, मुल्क हमेशा इसी तरह के फैसलों से बर्बाद होते हैं, ऐसे ही फैसले इंतजार और अफरत और फैसलों से मंजिल खोटी हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और बलूचिस्तान के अवाम मेरे साथ ये बात आप मुझे भी बताइएगा। माइनस वन का ये जो सिलसिला चलाना चाहते हैं वो क्या माइनस वन होगा जिसे आवाम प्लस कर दे? अगर आप प्लस करेंगे तो कोई माइनस वन हो सकता है? अल्लाह के फजलो करम से ये कोई इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल नहीं मानेगा। और मैं आपके साथ आज ये आया हूं, ये वादा करता हूं मैं आपसे कि इंशाल्लाह, हां वादे से पहले मुझे याद आया आज भी बात हो रही थी मेरी अपना मेरे भाई से महमूद खान अचकज़ई साहब से कि गैस जो है गैस हमारी कहां तक पहुंच गई थी? सुई गैस जी जी से नहीं, कहां तक पहुंची अभी तक? गुलिस्तान तक गैस पहुंच गई है, गुलिस्तान तक पहुंच गए इंशाल्लाह। अभी पूरी थी तो नवाज शरीफ को निकाल दिया गया, लेकिन ये इंशाल्लाह इसको चमन तक पहुंचाएंगे हम हर कीमत पर, इंशाल्लाह ये जमन तक पहुंचेगी, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। और फिर बलूचिस्तान के लिए जो हमारी खिदमत कच्ची किनाल बरसों से थी उसको हमने आके मुकम्मल किया और बलूचिस्तान की 70,000 एकड़ जमीन को उसने सैराब किया है। अभी फेज टू में इंशाल्लाह 1,40,000 एकड़ इंशाल्लाह वो सैराब करेगी और उसको भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। हम अल्लाह के फजल करम से वो तरक्की करके जाएंगे के अंदर के तारीख में उसकी कोई मिसाल ना मिलती हो। और इंशाल्लाह करीब 2018 में अवाम फैसला सुनाएगी अपना इंशाल्लाह, और अल्लाह के फजल करम से हमें पाकिस्तान के अवाम सुरखरू करेगी, कोयटा के अवाम। मैं करता हूं महमूद खान अचकज़ई आपसे वादा करता है और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी भी आपसे वादा करता है, हमें इंशाल्लाह दोबारा मौका मिलेगा, हम कोयटा को इंशाल्लाह पाकिस्तान का मिसाली शहर बनाएंगे, एक मिसाली शहर बनेगा जो किसी तौर पे भी
जो किसी तौर पे भी किसी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या पिशावर से कम नहीं होगा। पिशावर का नाम तो मैंने नाम ले लिया, क्योंकि पिशावर तो पहले से भी खराब हो गया है। वहां नया पाकिस्तान बन रहा था, वो जो क्रिकेटर है ना, क्रिकेटर, उसने कहा था कि लाहौर में शहबाज शरीफ साहब ने जंगला बस बनाई है, जो लाहौर के अंदर जो बस, रैपिड बस जो बनाई है, मेट्रो बस जो बनाई है, उसको वो क्रिकेटर कहता था ये जंगला बस है। और अब वो कोई जावर बनाने की कोशिश कर रहा है और वो बन नहीं रही। 5 साल होने वाले हैं 6 महीने के बाद, मेट्रो बस पिशावर में नहीं बन सकी और शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर भी बना दी, शहबाज शरीफ साहब ने मुल्तान भी बना दी, रावलपिंडी भी बना दी और हमने इस्लामाबाद भी बना दी। और ये जो खान, क्रिकेटर खान जो है, उससे पिशावर नहीं बन सकी। हम इंशाल्लाह आपसे ये वादा करते हैं, सरदार सनाउल्लाह जहरी साहब बैठे हैं, महमूद खान अचकज़ई भी बैठे हैं, हमें इंशाल्लाह मौका मिलेगा, हम इंशाल्लाह बलोचिस्तान के अंदर क्वेटा में मेट्रो बस बनाएंगे। हम इंशाल्लाह बनाएंगे यहां पर और अल्लाह के फजलो करम से तरक्की होगी क्वेटा शहर में। लेकिन अब मेरे भाइयों, मैं बात करना चाहता हूं, हम देखिए, मैं बहुत ज्यादा लंबी बात, क्योंकि मैंने अभी अल्लाह के फजलो करम से आज बिजली देके 4 साल हो गए हैं। अब बिजली वाफिर होती जा रही है, जरूरत पीछे रह गई है, बिजली आगे बढ़ गई है और इंशाल्लाह अब वो वक्त करीब है कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह जीरो लोड शेडिंग होगी, जीरो, सिफर लोड शेडिंग होगी, सिफर। ये होती है तरक्की। दहशतगर्दी को अल्लाह के फजलो करम से हमने खत्म किया या नहीं किया, बोलो। देखो 4 साल पहले वाली टीवी स्क्रीनों को, मुल्क का क्या हशर था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मामले को ठीक किया, कराची को ठीक किया हमने, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और अब तो माशाल्लाह, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं बलोचिस्तान के बारे में, पूरे मुल्क में मोटरवेज बन रहे हैं। और इसी तरह से मैं ये समझता हूं कि अब जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में जिसे आप प्लस कर, उसे कोई माइनस ना कर सके। और हुकूमतें आए वोट से, हुकूमतें जाए वोट से, कोई हुकूमत को फर्क ना कर सके। करोड़ों आवाम एक वजीर आजम को वोट देते हैं, पांच लोग उस वजीर आजम को फारिग कर देते हैं। क्या ये सब कुछ आपको मंजूर है? हरगिज नहीं, ये माइनस प्लस का बड़ा खेल हो चुका है। 70 साल से ये माइनस और प्लस होता रहा है। अब मेरा ख्याल है कि एक दफा 2018 में आपको एक फाइनल फैसला करना होगा, फैसले को फिर कोई तब्दील ना कर सके सवाए पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम के। ना कोई 5 बंदे तब्दील कर सके, ना कोई माशाल्लाह तब्दील कर सके, ना कोई आमद तब्दील कर सके और ना किसी और तरीके से तब्दीली हो सके। उसको तब्दील करें तो सिर्फ आप लोग और कोई नहीं। और हम इंसान में आइन की हुक्मरानी को यकीनी बनाएं, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएं, वोट के तकद्दस को बहाल करें। वोट के तकद्दस में आप नवाज शरीफ और महमूद खान का साथ दोगे?
पूरी पंजाब से जो हमने चार दिनों में इस्लामाबाद से लाहौर आए, पूरे खित्ते ने वोट के तकद्दस के हक में, अहमदाबाद के लोगों ने वोट के तकद्दस के हक में वोट दिया। आज कोयटा आया हूं मैं, पूछता हूं कोयटा के अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, क्या आप भी वोट के तकद्दस के हक के वोट देते हो? वोट के तकद्दस आप भी वोट दे रहे हो? शाबाश। अगर ऐसा साथ है महमूद खान, पाकिस्तान के अवाम भी साथ है। और आपको मालूम है बलूचिस्तान के अवाम जिसके साथ होते हैं तो पाकिस्तान के अवाम भी साथ होते हैं। आज पंजाब भी बलूचिस्तान के साथ आवाज में आवाज मिला रहा है, पंजाब भी आपके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये केपीके भी आपके साथ है, खैबर पख्तूनख्वा, ये जो नाचने गाने वाले जो हैं, ये 2018 में फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह, और सिंध भी इंशाल्लाह आपके साथ होगा, साथ मिलकर मार्च करेगी इंशाल्लाह कानून की हुक्मरानी के लिए।